ये है रामनगर का बस स्टैंड, इधर तो भीड़ होगी। ओ मार उड़िया भाई, ये भैया आस्ते चलोगे भैया? इधर आस्ते ही चलना पड़ता है भाई, खासकर इस जगह पे। इधर चारों साइड से बंदे आ रहे होते हैं। कैमरा भैया कैमरा, वीडियो बन दिन एक और लाउड उसी जिथे गया था। अच गर्मी बड़ी है, घर गया जेड़ा अग्गे पिछे फिरना उगे दसना। ठीक है भैया, ओ बस करो मड़ो, हर वेले इ'यै खेलदे रौह्ने तुस। इक पेन ड्राइव दियो मिकी, फालतू पेदी थुआढ़े च। गर्मी बड़ी ज्यादा होई दी, चला दी नी ऐ, फकोई गया बंदा। ये बड़ा पाना पौना हुन, मीठा पानी तो दियो। आप तो इसको जानते नहीं हो, ये होती है बर्फ। नहीं 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 ओ भाई, कैसी गल है, डिलीट की करनी। जो उसको खाएगा गोकुलू ब्लॉग बनेगा। 2 ml सरिंज भी दियो, 2 slices दियो रोदे बर्फे, मैं करे दूर लेना है, गर्म हो जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू गोकुलू ब्लॉग्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, जल्दी से लगाते हैं हेलमेट, फिर आगे का ब्लॉग आपको दिखाता हूँ जल्दी में थोड़ा, क्योंकि 2-3 काम है और टाइम मेरे पास कम है। तो जी अभी मैं सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जानवरों को अस्पताल में जाना है, थोड़ा सा एक दो चीज़ पूछनी थी उनको, बस मैं पहुँच ही गया हूँ। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसके बाहर हूँ। खुल है? हाँ खुल है, बस इधर पूछ लेते हैं, थोड़ा सा काम है। पूछी हुई बात ठीक रहती है। तो जी हो चुकी है हमारी बात, टीटी का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, अब चलते हैं बस स्टैंड में। बस स्टैंड में जाना है, आज सिर्फ डॉक्टरों से काम है मेरे। अब जाता हूँ डेंटिस्ट वाले भैया के पास, सिर्फ हॉस्पिटल में ये पूछना था सिर्फ कि दांत लगे हैं ना उसको, डॉगी को, तो क्या करना है उसका। वैक्सीन तो हुई है उसकी, तो बाहर था वो यार, बाहर आ जाते हैं बंदे, कुत्ते 2-3 हैं, तो लगा गया उसको थोड़ा सा दांत। तो वो कह रहे हैं टीटी का इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन तो मैं खुद ही लगवा लेता हूँ, बड़े साल हो गए अब। तो भाई की है जान दो, जाम लगे आज, जाएंगे हम कॉलेज रोड, ऐसे नहीं चक्कर लगाने नहीं। इधर ही उनकी क्लिनिक, तो क्लिनिक में ही जाना है हमें। तो भाई इन्नी आहिस्ता आहिस्ता, इन्नी गर्मी में चलना है, गर्मी में तो थोड़ा तेज़ चलाना चाहिए ना, मेरे को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और आजकल भाई बड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पहले नहीं होती थी इधर रामनगर में इतनी ज़्यादा गर्मी। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही हो, अपने से तो पूरा करके रखा है, और मैंने कुशन भी मंगवाए हैं इसके 2-3, तो फिर वो भी लगा के देखेंगे कैसी आवाज़ आती है इसकी। अभी भी थोड़ी सी ठीक ही आ रही होगी, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉक में जो मैंने डाला था ना, यही रोड था आपको याद होगा, तो वो ठीक आ गई थी आवाज़, इतनी भी ख़राब नहीं हुई थी। तो बस यही है, इधर सामने ही है अंदर को गली है, लेफ्ट साइड जाना है हमने, तो क्लिनिक आ जाएगी। तो बस पूछना है थोड़ा सा उनको भी, तो फिर दही लेना है, और फिर खाएंगे गोल गप्पे, और फिर दिखा देते हैं उनको। खुली है, ओहो मेरे हिसाब से अभी बंद होती होगी, इधर लंच टाइम हो गया। अगर चलो वापिस शाम को आना पड़ेगा, जब फ़ोन करके देखूँगा। चलो मैं बोलता हूँ घर में जाके क्या करना है, फिर मैं तो होके आया ना। हाँ लंच ही हो गया, 2:30 बजे रहे ना, 3-4 बजे खुल जाएगी वापस, तो वापस जा जाएंगे, वापस आके देख लेंगे। आज गर्मी है गर्मी, गर्मी है गर्मी, और सुनने में आया बच्चों को छुट्टियाँ पड़ जाएंगी अब क्या, आज ही पड़ जाएंगी, लास्ट डे है मेरे हिसाब से महीने का, पढ़नी है भाई बच्चों को छुट्टियाँ, इतनी गर्मी है, बच्चे स्कूल का बैग लेके आना जाना करना, बस हो जाती है। और टाइम भी थोड़ा चेंज हुआ था 12 बजे, मेरे को पता ही नहीं था, स्कूल से कोई लिंक ही नहीं था, अब तो क्या पता उन्हें कि है क्या टाइम क्या नहीं। पर हवा आ रही है अंदर, जब भी मैं ऐसे मोड़ काटता हूँ या लेफ्ट साइड या राइट साइड करता हूँ ना हेलमेट, तो हवा अंदर आ जाती है, तो वो भी थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को। अभी अंदर को जाता हूँ, इधर से निकल जाए, इधर से यार जाम लगा है, इधर से जाते हैं। जाना है जाना है, ये है रामनगर का बस स्टैंड, इधर तो भीड़ होगी। ओ मार उड़िया भाई, ये भैया आस्ते चलोगे भैया? इधर आहिस्ता ही चलना पड़ता है भाई, खासकर इस जगह पे, इधर चारों साइड से बंदे आ रहे होते हैं।
आओ 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 आने आन दियो कोई नहीं भैया जाना गया सारे जाना अज इतना कर ठीक है। हाँ जी लास्ट में लूँगा मैं इंजेक्शन क्योंकि वो ठंडा ठंडा ही लगाना पड़ता है ना क्या पता फिर मेरे को एक दो जगह घूमना पड़े। ये रही दुकान इधर लगाने दो पहले हेलमेट का वाइजर खोल लो दही है प्यार में दबाए हो हेलो और ये रही हमारी स्कूटी गंदी हो गई है थोड़ी खुद ने ना धोई है अपने हाथों से तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती है अभी इसको दूंगा ना पूरा आपको स्क्रैच वगैरह कहाँ कहाँ से टूटी है वो आपको पता चलेगा बस थोड़े दिन के बाद देखते हैं इसका क्या करना है। टायर करवाए थे अभी मैंने थोड़े चेंज कोई 15-20 दिन हुए पीछे वाला और आगे वाला दोनों सेम ग्रिप MRF के लगवाए थे और ये गुलाब जामुन मन तो मेरा रसगुल्ले खाने कर रहा था वह नहीं खाने है ना अग्गे गला भीड़ है वो भी इससे भी ओके हैं गया उससे पूछना था कब है उसके पास टाइम फोटो सेलेक्ट करने हैं थोड़े कैमरा भैया कैमरा वीडियो बन दिन एक और लाउड उसी गर्मी बड़ी है घर गया जेड़ा अग्गे पिछे फिरना उगे दसना ठीक है भैया मुकेश के पास से भी ओके आते हैं यार बार बार कौन आएगा अब अंदर ही होगा दुकान में। चलो जी इधर थोड़ी ठंड होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे दो तीन बंदे पूछ रहे थे कौन सी जगह है जहाँ पे आप छत पे जाते हो तो ये रास्ता ऊपर को यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाए थे दो तीन पूछ के आता हूँ मुकेश से क्या थी ना अरे पेन ड्राइव जाइए मेरे को फालतू से ओ बस करो मड़ो यार बेल अग्गे खेलते रौहने तुस एक पेन ड्राइव दियो मिकी फालतू पेदी थुआढ़े च और भी कदूं करना भी बाकी आला किन्ने बजे इसलै दिखो टाइम दिखो ठीक है 4:30 तक दिखना ठीक है बंद कर दिया है हमने वाइजर फस गया कुछ वाइजर में एक सेकंड देखने बंद क्यों नहीं हो रहा हो गया थोड़ा बहुत ठीक है अब जो भी है रो बन नहीं रहा है इतनी गर्मी लग रही है गोलगप्पे खाने हैं मैंने तो या घर को ले जाऊं यार घर में खा जाके मजा ना आता है नमस्ते और गर्मी बड़ी ज़्यादा ही देर चला दी नहीं है फकोई गया बंदा खट्टी डालना पड़ेगा दारू खाते दादी तो खाई है ना बड़ा दा मम्मी की बोरू नुक्कार भी बोरू ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਂਦੀ ਬੋਰੂ ਤੇ ਆਈ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਠੀਕ ਆ ਕੱਲ ਪੱਕਾ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਰਚ ਪਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਮਲਾ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਪੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ आने नहीं आने हैं ना बजे लाने भी आने हैं ना मीठा पानी तो दी है मार तो ये आप तो इसको जानते नहीं होगे ये होती है बर्फ डिलीट नहीं होगी बस ओ भाई कैसी गल है डिलीट की करनी जो इसको खाएगा गोकुलू ब्लॉग बनेगा अब ने रो तो इतना बोल के अभी आई नहीं बात
ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨਾ ਵੀ ਹਲੇ ਡੁੰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਆਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਆ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਓ ਨਾ ਆਣਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕੋਕਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਖਾ ਲਈ ਨਾ मैं शायद इंजेक्शन देना घर इधर मीठा पानी मिल रहा है पहले मैं इंजेक्शन देख के आता हूँ या उसको लगा भी लूँगा तो फिर आता हूँ वापस क्योंकि अभी मैंने खट्टे वाला पानी पिया ना फिर ऐसे ठीक नहीं बनेगा काम वो दुकान पीछे रह गई मैं आगे आ गया टीटी का इंजेक्शन लगाऊंगा शायद शाम को मैं पर ले जाता हूँ ना वो दियो टीटी का इंजेक्शन दियो एक 2 ml सिरिंज भी दियो लफाफा दियो 2 slices दियो रोदे बर्फे मैं करे दूर लेना है गर्म हो जाना है जे आ गया हमारा इंजेक्शन इसमें बर्फ़ डलवाई है मैंने क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही ले जाते हैं पर ये दे देते हैं वैसे यहाँ तक मेरे को पता है ये तो ठंडे मतलब इनका टेम्परेचर के हिसाब होता है गर्म करके लगाने हैं तो फिर फ़ायदा ही गया तो वो होता है आपने भी लियो तो स्लाइस इसको डलवा लिया करो ये देखो पानी चल रहा है इधर आके ही पीऊँगा मैं थोड़ा गर्म होके आता हूँ ना अभी मेरे बॉडी पूरी ठंडी है झुनझुनाहट फैल चुकी है खट्टा भी है ना मैंने मैं सोच रहा हूँ लगा के ही आता हूँ अगर मेरा कुत्तू लेटा नहीं होगा सोया होगा तो फिर नहीं लगवाऊँगा वैक्सीन प्रॉपर करवाई हो ना तो इतने डरने की बात नहीं होती है रात को मैंने वैसे उसको बीटाडीन वगैरह लगवा ली थी और कोई इशू नहीं था वाइज़र ओपन किया मैंने भाई गर्मी लग रही है बड़ी ज़्यादा पसीना आ गया है तो बस चलते हैं आस्ता आस्ता चलने का फ़ायदा ये है कि आवाज़ भी प्रॉपर आती है हेलो भाई ये कौन सी 12 बजे छुट्टी होती है 3 बजे आ रहे बच्चे अच्छा ट्यूशन भी होती होगी ना दोपहर से हो चुकी है शाम और कहीं पे मैं गया नहीं आके मैं सो गया था वो पानी वगैरह भी वहीं पे रह गया वैसे वो डेली लगाते हैं फिर कभी कल या परसों सही तो अभी इधर आया था इस रास्ते पे मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है इधर आया था जा रहा था मैं बाहर उस वाली ऊपर वाली साइड जा रहा था थोड़ा तो मैंने सोचा इधर नीचे वाली साइड जाके ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है वो भी आपको दिखा देते हैं जाता हूँ ऊपर वाली साइड ये देखो 2 पेड़ ऐसे लगे ऐसे बीच में से ऐसे एंट्रेंस होती तो और अच्छा लगता पर इधर से पौड़ियाँ वगैरह बना ली हैं ये देखो ये ऊपर वाली ये सारे पेड़ वगैरह इधर लगे हैं इधर ही चप्पल उतार देता हूँ ये है इधर सीढ़ियाँ इधर से और ये हाथ दो के ही आया था हाथ दो के आया था मैं वैसे तो ये है मूर्ति अभी ये शेड वगैरह भी लगाया मेरे हिसाब से इधर पूरी अच्छे से फिरेंगे जय हनुमान जी तो बस यही था इधर ही ब्लॉग एंड कर लेते हैं हम इधर ऐसे खड़े होके पीछे मूर्ति आएगी तो अच्छा व्यू लगेगा इधर बैठ के करते हैं जाओ तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए अपना ध्यान रखो टेक केयर बाय बाय।